नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट स्पिरिचुअल में और मैं हूं आपके साथ श्रुति। रोजाना की तरह हम फिर से आज रहे हैं अपना स्पेशल प्रोग्राम आज का राशिफल लेकर, जहां हम आपको बताते हैं कि आज का दिन आपका किस प्रकार से रहने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बता दें आपको कि राशिफल का मनुष्य के जीवन में विशेष महत्व होता है, बहुत महत्व होता है राशिफल का हमारे जीवन में। राशि के अनुसार व्यक्ति के स्वभाव और भविष्य से जुड़ी कई जानकारियां प्राप्त की जा सकती हैं। ग्रह गोचर और नक्षत्र की चाल के आधार पर ही राशिफल का निर्माण किया जाता है। ग्रहों की चाल हमेशा बदलती रहती है, इसलिए हमारे दैनिक जीवन में घट रही घटनाएं भी हमेशा समान नहीं होती। आज 4 जून शुक्रवार का शुभ दिन है और आज देवी लक्ष्मी की कृपा कुछ राशियों पर विशेषता रहने वाला, जिसे इनका भाग्य खुल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, बताते हैं क्या कहती है आपकी राशि। चलिए बताते हैं आपका राशिफल। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं मेष राशि वालों से। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन किस प्रकार से है। मेष राशि वालों के लिए बता दें आपको कि समय अनुकूल है, किसी भी कार्य को बेहतरीन तरीके से पूर्ण करने में सक्षम रहेंगे। मेष राशि वालों के लिए बता दें आपको किसी पारिवारिक सदस्य की उपलब्धि से घर में उत्सव का माहौल रहेगा, घर परिवार में खुशनुमा माहौल बना रहेगा। मेष राशि वालों के लिए बता दें आपको योगा मेडिटेशन को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। चलिए बात करते हैं अग्नि राशि वृष राशि वालों की। आज का दिन किस प्रकार से है। आज दिन का अधिकतर समय पारिवारिक गतिविधियों तथा निवेश संबंधी कार्यों में व्यतीत होगा। दोस्तों और संबंधियों के साथ भी किसी महत्वपूर्ण वार्तालाप से नई जानकारियां हासिल होंगी। युवाओं को करियर से संबंधित कोई अच्छी सूचना मिल सकती है। चलिए बात करते हैं अगली राशि मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन किस प्रकार से है। रचनात्मक तथा रुचिपूर्ण कार्यों में कुछ समय व्यतीत करने से जो भी आपको कार्य दिए जाएंगे उसको सभी कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होगी। घर परिवार में खुशनुमा माहौल बना रहेगा। योगा व मेडिटेशन को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। किसी भी गलत सलाह आपके बिजनेस में रुकावटें पैदा कर सकती है, बेहतर होगा कि आपने निर्णय को ही प्राथमिकता दें। हालांकि जल्दी ही लाभ के उचित अवसर मिलेंगे। जॉब करने वाले लोग किसी तरह की राजनीति में फंस सकते हैं। पति पत्नी के संबंधों में कुछ मतभेद हो सकते हैं, परंतु दूसरों से उम्मीद करने के बजाय अपने स्वभाव में बदलाव लाना जरूरी है। खांसी जुकाम जैसी परेशानी रहेगी, लापरवाही ना करें और उचित इलाज लें। चलिए बात करते हैं अगली राशि कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन किस प्रकार से है। यदि घर परिवर्तन करने की योजना बना रहे हैं तो आज उसके लिए अनुकूल समय है। आप अपने व्यक्तित्व और कार्य प्रणाली को और अधिक बेहतर बनाने के लिए प्रयासरत रहेंगे। किसी समाज सेवी संस्था से जुड़ने और अपना सहयोग देने में भी आपको खुशी मिलेगी। खुशनुमा समय व्यतीत होगा। बिजनेस के स्थल पर लाभ की अपेक्षा मेहनत ज्यादा रहेगी। आज कोई खास सफलता तो नहीं मिलेगी, लेकिन भविष्य संबंधी योजनाएं सकारात्मक रहेंगी। इस समय मार्केटिंग संबंधी गतिविधियों पर ज्यादा ध्यान दें। किसी बात को लेकर पति पत्नी के बीच कोई तकरार रह सकती है, लेकिन घर की व्यवस्था उचित बनी रहेगी। प्रेम संबंधों में भी मधुरता रहेगी। अत्यधिक कार्यभार की वजह से थकान, सिरदर्द जैसी समस्या महसूस होगी। डायबिटिक लोग भी अपने खान पान का पूरा परहेज रखें। घर परिवार में खुशनुमा माहौल बना रहेगा। योगा व मेडिटेशन को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। ज्यादातर भुनी भोजन का सेवन ना करें। अपने सेहत का ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपने खान पान का ध्यान रखें, अपने उचित खान पान का ध्यान रखें। स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी परेशानी हो तो उचित इलाज लें, ध्यान रखें। चलिए बात करते हैं अगली राशि सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन किस प्रकार से है। किसी गुरुतुल्य व्यक्ति से मुलाकात आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित करेगी। पिछले कुछ आपको जो सफलता नहीं मिल रही थी उसे सीखकर आप अपने कार्यों को और अधिक बेहतरीन बनाने का प्रयास करेंगे और आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। जॉब और बिजनेस में अनुकूलता रहेगी, परंतु किसी का हस्तक्षेप आपके कार्य में समस्याएं भी उत्पन्न कर सकता है। बेहतर होगा कि अपनी कार्य प्रणाली किसी से भी शेयर ना करें। कोई ऑफिशियल ट्रैवल भी संभव है। पारिवारिक वातावरण खुशनुमा रहेगा। प्रेम संबंधों को विवाह हेतु पारिवारिक स्वीकृति भी मिल सकती है। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। आपका सकारात्मक दृष्टिकोण आपको शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखेगा। घर परिवार में खुशनुमा माहौल बना रहेगा। योगा व मेडिटेशन को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। ज्यादा तली भुनी भोजन का सेवन ना करें। अपने सेहत का ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपने खान पान का ध्यान रखें, उचित खान पान का ध्यान रखें। स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी परेशानी हो तो ध्यान रखें। चलिए बात करते हैं अगली राशि कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन किस प्रकार से है। किसी कार्य के प्रति चल रही मेहनत व परिश्रम का आज उचित परिणाम मिलने वाला है। आप काफी हद तक खुशी महसूस करेंगे। किसी नवीन वस्तु की ऑनलाइन खरीदारी भी संभव है।
किसी प्रिय मित्र से वार्तालाप मन को खुशी देगी। बिजनेस में विस्तार संबंधी योजनाओं को क्रिया रूप देने का अनुकूल समय है। इसके सकारात्मक नतीजे मिलेंगे, लेकिन कोई भी कार्य करने से पहले उसके सभी पहलुओं पर सोच विचार करके योजनाएं बनाएं। पारिवारिक वातावरण खुशनुमा बना रहेगा, स्वास्थ्य ठीक रहेगा। पेट संबंधी कोई भी दिक्कत होने पर आयुर्वेदिक चीजों का सेवन आपको स्वस्थ रखेगा। आपका आत्मविश्वास बना रहेगा, घर परिवार में खुशनुमा माहौल बना रहेगा, खुशी भरा माहौल रहेगा। योगा व मेडिटेशन को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। जल तली भुनी भोजन का सेवन ना करें। अपने सेहत का ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, खान पान का ध्यान रखें, उचित खान पान लें, ध्यान रखें। बता दें आपको कि स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी परेशानी हो तो उचित इलाज में ध्यान रखें। चलिए बात करते हैं अगली राशि, तुला राशि वालों के लिए आज का दिन किस प्रकार से है। किसी समाज सेवी संस्था के साथ जुड़ना और सहयोग करना आपको खुशी देगा। घर के बड़े बुजुर्गों के अनुभव का अनुसरण करना आपको एक नई दिशा दे सकता है, इसलिए नजरअंदाज ना करें। घर की जरूरत संबंधी वस्तुओं की ऑनलाइन खरीदारी भी संभव है। बिजनेस के स्तर पर कोई बदलाव करने की योजना है तो वास्तु सम्मत नियमों का अवश्य प्रयोग करें। इनकम सोर्स बढ़ेंगे और आर्थिक स्थिति भी बेहतर होगी। जॉब करने वाले लोगों के लिए उचित परिस्थितियां बनी हुई है, खुशी का माहौल रहेगा। परंतु व्यर्थ के प्रेम संबंध आपके बिजनेस और धन दोनों की हानि करवा सकते हैं। स्वास्थ्य कुछ नरम रहेगा, कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि जैसे किसी की नजर लग गई है। बता दें आपको कि घर परिवार में खुशनुमा राज, लेकिन इससे घबराने की जरूरत नहीं है। बता दें आपको कि ग्रहों के चाल में परिवर्तन होता रहता है, जिससे मनुष्य के जीवन में कई तरह के बदलाव देखने को मिलते हैं। बता दें आपको कि ज्योतिष शास्त्र में 12 राशियों का जिक्र होता है। ग्रहों के चाल में परिवर्तन का सीधा प्रभाव इन 12 राशियों पर पड़ता है। तो वही बता दें आपको कि आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। योगा व मेडिटेशन को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। सेहत का ध्यान रखें, खान पान का ध्यान रखें, उचित खान पान का ध्यान रखें। स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी परेशानी हो तो उचित इलाज लें, ध्यान रखें। घर परिवार की देखरेख में ही अपना समय व्यतीत करें। चलिए बात करते हैं अगली राशि, वृश्चिक राशि वालों की लिए आज का दिन किस प्रकार से है। आज अचानक ही किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात होगी और यह मुलाकात एक दूसरे के लिए सहायक भी साबित होगी। अपने कर्म पर विश्वास बनाए रखें। अपनी दिनचर्या और विचारों में कुछ सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास कामयाब होगा। बिजनेस के नजरिए से समय अनुकूल है, लेकिन आपके प्रतिद्वंदी आपकी उन्नति को देखकर जलन की भावना रख सकते हैं। ज्यादा दिखावे की प्रवृत्ति से दूर रहें। पार्टनरशिप संबंधी बिजनेस में लाभ प्राप्त होने का योग बन रहा है। चलिए बात करते हैं अगली राशि, धनु राशि वालों के लिए आज का दिन किस प्रकार से है। आज अपनी किसी मेहनत और परिश्रम के अनुकूल परिणाम हासिल करने से बहुत ही खुशी महसूस होगी। जिस कार्य के ना बनने से आप उम्मीद खो चुके थे, वह कार्य भी मनोनुकूल तरीके से हल हो सकता है। परिवार जनों के साथ कोई योगा मेडिटेशन को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। ज्यादा तली भुनी भोजन का सेवन ना करें। अपनी सेहत का ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, खान पान का ध्यान रखें, उचित खान पान का ध्यान रखें। स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी परेशानी हो तो उचित इलाज में ध्यान रखें। चलिए बात करते हैं अगली राशि, मकर राशि वालों के लिए आज का दिन किस प्रकार से है। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात होगी और बेहतरीन जानकारियां मिलेंगी। पिछले कुछ समय से चल रहे मतभेद भी आज आसानी से हल हो सकते हैं, इसलिए प्रयासरत रहें। घर के बड़े बुजुर्गों का मार्गदर्शन लेना आपके लिए बहुत ही सहायक रहेगा। चलिए बात करते हैं अगली राशि, कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन किस प्रकार से है। विस्तृतम दिनचर्या रहेगी। आपका अपने कार्य के प्रति समर्पण तथा विशिष्ट लोगों का आपके प्रति सहयोग बेहतरीन परिस्थितियां बना रहे हैं। घर परिवार में खुशनुमा माहौल बना रहेगा। चलिए बात करते हैं योगा व मेडिटेशन को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। ज्यादा तली भुनी भोजन का सेवन न करें। अपने सेहत का ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, खान पान का ध्यान रखें, उचित खान पान का ध्यान रखें। स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी परेशानी हो तो उसका उचित इलाज में ध्यान रखें। चलिए बात करते हैं अगली राशि, मीन राशि वालों के लिए आज का दिन किस प्रकार से है। समय मिश्रित फलदायक है। कहीं निवेश करने के लिए समय अनुकूल तो है, परंतु पहले उसके बारे में अच्छी तरह जांच पड़ताल करना भी जरूरी है। घर और बिजनेस दोनों जगह उचित व्यवस्था बनाए रखने के लिए आप उचित कायदे कानून बनाएंगे। बता दें आपको कि हमें पूरी जानकारी वेबसाइट सोलन जगहों से प्राप्त हुई है। ये जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। नेक्स्ट स्पेशल रिपोर्ट।